आज हम गेहूं की सस्टेनेबल फार्मिंग पर बात करेंगे। किसान साथियों, ये मेरे जो गेहूं हैं, ये मैंने 5 नवंबर को लगाए थे। श्रीराम का 330 बीज है, जो अर्ली वैरायटी है। अभी तक मैंने इसमें कोई भी पेस्टिसाइड नहीं डाला है और इसमें जो खाद डाला है उसमें मैंने बायो फर्टिलाइज़र डाला था बोते हुए। जैसे मैंने कुछ वर्मी कंपोस्ट में ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास को मल्टीप्लाई किया था और सागरिका दिया था। उसके बाद में जब गेहूं बोए तो गेहूं के साथ साथ जो मशीन से बोए थे उसमें मैंने 10 किलो प्रति बीघा, हमारे यहाँ एक एकड़ में 6 बीघा होते हैं, तो 10 किलो प्रति बीघा के हिसाब से मैंने NPK 12-32-16 डाला था। उसके बाद जब पहला पानी आया तो मैंने 5 किलो यूरिया दिया था इनमें। अब आप इसे केमिकल फार्मिंग कह लें या सस्टेनेबल फार्मिंग कह लें या जैविक खेती कह लें। जैविक में रसायन का प्रयोग नहीं होता, लेकिन मेरा मानना है कि न्यूट्रेंट की पूर्ति किसी भी चीज़ से नहीं हो सकती, और वो भी व्यावसायिक खेती में। पहला काम मैंने ये किया कि मेरा प्रयास है कि मैं जो केमिकल पेस्टिसाइड हैं उनका प्रयोग बिल्कुल बंद कर दूँ, और मेरा pH 8 से थोड़ा ऊपर है, मैं उसे 8 से 7.5 तक लाऊं। अगर मेरा pH 6 और 7.5 के बीच में रहता है तो मेरे लिए केमिकल का प्रयोग बहुत ही कम हो जाएगा और मैं बायो फर्टिलाइज़र का प्रयोग बढ़ाकर उनमें न्यूट्रेंट की पूर्ति करूंगा। कल मैंने एक मेरे साथी हैं जिनकी पेस्टिसाइड की दुकान है, वो मेरे से बात करते रहते हैं कि सर जितना आप इन लोगों को ये माइकोराइजा बायो फर्टिलाइज़र के बारे में बताते हो जिसमें लिक्विड कंसोर्सिया है और आपका ये क्या नाम है जो ह्यूमिक एसिड है इनका प्रयोग बताते हो, तो मैं भी किसानों को कहता हूँ और किस किसानों ने शुरू भी किया है। कल मैंने उनको बुलाया और कहा कि मेरे गेहूं में क्या कमी है, तो उन्होंने मुझे एक कमी बताई कि सर इसका उपाय कीजिए नहीं तो आपके दाने बारीक हो जाएंगे। वो उपाय क्या है अभी आप देखिए। उसने मुझे दिखाया कि जैसे इस पत्ते में कहीं कहीं पर उसे एक काला कीट मिला, जिसे उसने बताया कि ये ब्लैक एफिड है। अब पता नहीं मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन उसने मुझे बताया था कि ध्यान से देखो तो आप नीचे इसके पत्तों पर ब्लैक एफिड मिलेगा। दूसरा उसने बताया कि जैसे ये गेहूं की बाली हैं इसमें कुछ हरा 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 जो है ना इसमें एफिड है, कुछ इस समय मुझे नहीं आता, लेकिन कल उसने मुझे दिखाया था और बाली तोड़कर भी दिखाई थी इसमें। ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे हवा में जब हम चलते हैं मच्छर उड़ते हैं और जो मच्छर हैं वो हमारी आँख में भी गिर जाते हैं, उसी प्रकार के होते हैं। आप भी इनमें चेक करें, मेरे इसमें था, इस समय मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसने मुझे दिखाया था और ये किया था कि चलिए मैं इस एक बाली को तोड़ लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इसमें कुछ मिल जाए। उसने मुझे दिखाया था कि सर देखिए इसमें ये एफिड है और ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है। इसमें अभी तक मैंने जो स्प्रे किए हैं वो जो मेरा हर्बल पेस्टिसाइड है वो स्प्रे किया था मैंने एक बार, और सरसों की खली और 2 ग्राम प्रति लीटर उसमें यूरिया का स्प्रे किया था। उसके बाद जो पहला यूरिया दिया था मैंने, उसके बाद मैंने इसमें कुछ भी नहीं दिया है, केवल ये सरसों की खली और यूरिया का स्प्रे किया था। अब जब मैंने उसने कहा कि सर आप केमिकल में 2 दवाई बताई कि आप इनका प्रयोग कर सकते हैं एफिड के लिए, और अगर आपके पास बायो पेस्टिसाइड कोई रखा है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं, तो मैं क्या उपयोग कर रहा हूँ, चूँकि मेरे गेहूँ हों या ना हों इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन किसानों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। मेरी पैदावार हो सकता है आधी कम हो जाए, जिसकी मुझे बिल्कुल 5% ही संभावना है, तो मैं बताता हूँ कि मैं इसके लिए क्या उपयोग कर रहा हूँ। किसान साथियों, मुझे ये किसी ने दिया था प्रयोग के लिए, ये वाइप आउट है IPL का, ये कोई किसी का प्रचार नहीं है। उसने कहा था सर आप एक बार कर देखिए और अगर आप इसे पढ़ेंगे तो ये बहुत प्रकार के रस चूसक कीटों का, जिसमें एफिड भी है, जिसमें मिलीबग भी है, इस प्रकार के बहुत सारे कीट हैं, उनका रोकथाम करता है। और दूसरा है नीम क्योर,
इसमें नीम का तेल है, जिसे के इन दोनों को मिलाकर मैं इसका स्प्रे कर रहा हूँ। देखिए मेरा जो ये सहायक है ये इस समय स्प्रे कर रहा है, ये देखिए इन पर। नीम का तेल मैंने 2 ml पर लीटर लिया है और इसको मैंने 5 ml पर लीटर लिया है, दोनों को मिलाकर मैं स्प्रे कर रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इसमें सफल हूँगा। किसान साथियों, जैसा मैंने बताया है कि मेरा पहला उद्देश्य है कि मैं अपनी ज़मीन का पीएच कम करूं और इसमें अधिक से अधिक मैं कार्बन का मात्रा बढ़ाऊं। दूसरा है कि मैं पेस्टिसाइड का उपयोग बिल्कुल बंद कर दूं। मैंने पेस्टिसाइड का उपयोग बंद कर दिया, जो इससे पहले मैंने धान लिए थे उनमें बिल्कुल भी पेस्टिसाइड नहीं मिलाया था और न दिया था। लेकिन जब हम ज़मीन में बुहाई करते हैं उससे पहले मैं बायो एजेंट का प्रयोग कर, जिसमें ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, माइकोराइजा और एनपीके कंसोर्सिया है, उनको अवश्य देता हूँ और सागरिका का भी उपयोग करता हूँ। सागरिका का मैंने एक बार इसमें स्प्रे भी करवाया है और अब ये फसल आपके सामने है। जो भी लोग देखते हैं कहते हैं कि बहुत अच्छी फसल है। आप अपने गेहूँ में जाइए, अच्छी तरह ध्यान से देखिए कि उसमें कहीं कोई काला एफिड तो नहीं है, बिल्कुल छोटा सा मच्छर होता है गोल सा, और या कोई इसमें गेहूं की बाली में कोई ऐसा हानिकारक रस चूसक कीट तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं। नीम का तेल उन्हें रोकने में सहायक होगा और एफिड्स के लिए आप एक आता है वर्टिसिलियम लेकानी, जो आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। वर्टिसिलियम लेकानी का जो 5 ml पर लीटर लिक्विड लीजिए, कई कंपनी बनाती हैं उनका स्प्रे करिए, उसमें अगर आप नीम का तेल मिलाते हैं तो सोने में सुहागा होगा। किसान साथियों, ये था मेरा एक प्रयास जैविक खेती की ओर एक कदम, जिसमें के पहले मैंने बता दिया है कि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता कि मैं केमिकल फर्टिलाइज़र को एकदम से बंद कर दूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है पहले पीएच को कम करना और कार्बन की मात्रा बढ़ाना। ये किस प्रकार कर सकते हैं इसको भी मैं एक वीडियो में बताऊंगा। इसी के साथ विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।